दिन निकलते ही गला रेत युवती की हत्या से दहला सहारनपुर। हत्या कर मौके से फरार हुआ हत्या आरोपी। पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वायड, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। पूरा मामला सहारनपुर कस्बे के गंगोह का है, जहां बाईपास रोड पर स्थित सैनी रेस्टोरेंट के बराबर में एक युवती का शव पड़ा मिला। युवती की गला रेतकर हत्या की गई है। युवती की पहचान सहारनपुर थाना कुतुबशा क्षेत्र की बताई जा रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर जानकारी ली। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवती की पहचान हो चुकी है। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और जल्द ही युवती के हत्या आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोगों पर संदिग्ध होने की आशंका है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। गंगो थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवती का शव मिला, जिसकी की हत्या किया जाना प्रतीत हुआ था, जिस पर की पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और सभी आला अधिकारी मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कई हमको ठोस साक्ष्य मिले हैं घटनास्थल पर, आसपास के सीसीटीवी कैमरा भी दिखवाए जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध हैं जिनके नाम सामने आए हैं, परिजनों से उस बारे में बात की गई है और जो तहरीर दी जा रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं सीसीटीवी हैं उसके आधार पर घटना का शीघ्र अनावरण कर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या कहाँ की रहने वाली है, कुछ पता चल पाया है सर? युवती सहारनपुर की रहने वाली हैं और शहर की रहने वाली हैं और इनके परिजनों द्वारा इनको गंगो छोड़ा गया था आज सुबह। वहाँ कोई काम के सिलसिले में गई थी, जिसके बाद ये घटना वहाँ घटित हुई है। जितने भी घटनाक्रम रहा है उसकी जाँच की जा रही है और कौन इसमें दोषी हैं उनका कुछ नाम भी पुलिस को पता चले हैं कुछ संदिग्धों के, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। सहारनपुर में 7 वर्षीय बालक युवान की 6 अक्टूबर को एक प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सक व स्टाफ की लापरवाही से मौत हो जाने के मामले अब तक डॉक्टर जितेंद्र चुग के खिलाफ कार्यवाही न होने पर परिजनों व समाज के लोग पुलिस लाइन में धरने पर बैठ गए और डॉक्टर पर कार्यवाही मांग की, जिसके बाद एसपी सिटी ने उनको समझाने का प्रयास किया। बाद में एसएसपी द्वारा आश्वासन दिए जाने पर परिजन शांत हुए। मेरा नाम रोहित सिंह राणा है और अब ये आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे, अब से 6 महीने पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमने अपने एक बच्चे को खो दिया था और जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं सबकी एक ही पीड़ा है कि जब 304 का मुकदमा एक गंभीर अपराधी के विरुद्ध दर्ज हो गया तो आज तक ऐसी क्या मामला हो गया कि उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बात, जिस आदमी के ऊपर एक बच्चे को मारने का अपराध का आरोप है वो आज भी अपनी ओपीडी लगा निरंतर चलाने का काम कर रहा है, तो दूसरा हमारा हमने कप्तान साहब से ये मांग करी कि जो उसकी ओपीडी चल रही है क्यों ना वो तत्काल बंद कराई जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां पुलिस प्रशासन 10 या 12 दिन में अपनी चार्जशीट दाखिल करने का काम करती है, इस वाले मामले में तकरीबन 7 महीने से आज तक प्रशासन ने चार्जशीट दाखिल नहीं करी, तो हमने कप्तान साहब से ये बात कही कि आने वाले 3 दिन के अंदर आप इसमें चार्जशीट दाखिल कराने का काम करें। कप्तान साहब ने हमारी इन्हीं सभी बातों को माना है। चौथी बात ये थी कि इस दौरान 2 मरतबा वो डॉक्टर घर गया, बकायदा धमकाया, धमकी देने का काम करा, तो हमने कप्तान साहब से कहा कि एक अलग सेपरेट क्यों ना उसके खिलाफ इस बात का अभियोग दर्ज करा जाए कि उसने ऐसी दोबारा धमकी देने का काम करा, तो इस बात पे भी कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, चारों मांगों को मानने का काम करेंगे। तो क्या नाम है डॉक्टर का और कहाँ ओपीडी चला? डॉक्टर का नाम डॉक्टर जितेंद्र चुग है और यहीं कोट रोड पर उसका अस्पताल क्लिनिक जो है वरदान के नाम से। संगठन आपके साथ भागीदारी करी है यहाँ पर, कितने लोग थे? यहाँ समाज का हर एक व्यक्ति जिसे पीड़ा है वो मौजूद है। जो लोग नहीं भी आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं भी आए घर में बैठ के उनके अंदर भी इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने अपने एक बच्चे को एक डॉक्टर की गलती की वजह से खो दिया। यही हमने कप्तान साहब से कहा कि जब 151 के मुलजिम को आप छोड़ देनी बिना जमानत के, तो ऐसी कौन सा किस नेता का संरक्षण इस डॉक्टर को प्राप्त है कि 304 का मुकदमा होने के बावजूद ये आज तक जेल नहीं गया।